just want to enjoy coffee with you. पता नहीं हम इस होटल रूम से बाहर कब निकलेंगे और हमारे घर में कब एंजॉय करेंगे कॉफी एक साथ. Don't worry, very soon. क्या हुआ सर, आप मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? मैं, of course, तुम ऐसे अचानक से यहाँ, मैंने किसी को बताया नहीं था मैं इस होटल में हूँ, तो तुम यहाँ कैसे? कल इतना कुछ हो गया सर, आपने कहा कि आप ऑफिस में ही रह लोगे. मैं ऑफिस गई थी, आप वहाँ थे नहीं. टेबल पे एक डायरी देखी, उस पे बंगला सा कुछ लिखा हुआ था. ध्यान से देखा तो यहाँ का एड्रेस और होटल रूम का नंबर लिखा था. That means you are spying on me. सर, कैरिंग को अगर स्पाइन कह सकते हैं तो वही सही. मैं परेशान हो रही थी कि कल इतना कुछ हो गया, आप पे क्या बेहतरी होगी. अगर किसी के साथ इतना कुछ हो जाए तो अपने होश खो सकता है. इसलिए यहाँ आकर आई वाज जस्ट चेकिंग ऑन यू कि आप ठीक तो है ना. दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू. सर, पर आप यहाँ पे इस होटल में, आपने तो कहा था कि आप ऑफिस में रुकेंगे. नहीं, एक्चुअली काफी थका हुआ था तो मुझे लगा मुझे रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए ये होटल बुक कर ली. एनीवेज, अब तो मुझे भी भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. इफ यू डोंट माइंड, जब तक मैं यहाँ का चेकआउट करता हूँ और बिल पे करता हूँ, तब तक पार्किंग से मेरी गाड़ी निकाल देना. If you don't mind. Yeah, yeah, sure. Thank you. I'll wait for you in the car. Good morning, sir. बिल्कुल भी शर्म नहीं है इसमें. इतना कुछ होने के बाद भी मुंह उठाकर चली आई. इन जैसों की वजह से पूरा ऑफिस का माहौल खराब हो रहा है. क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके, किसी का परिवार तोड़ के? थोड़ी सी भी शर्म है ना तो निकल जाओ यहाँ से. और दुनिया में ना बहुत सारे अमीर लोग पड़े हैं, प्लीज देव सर का पल्ला छोड़ दो. ये ऑफिस है, आप लोगों का मोहल्ला नहीं जो यहाँ पे इकट्ठे होकर बेवसूल की गॉसिप करने लगे. आज के बाद अगर किसी ने भी इस मामले में बात किया, कुछ भी बोला ना, सीधा ऑफिस से आउट. समझ गए आप लोग? आप लोग यहां काम करने आते हैं ना, तो काम कीजिए, हाथ पैर चलाइए, जबान नहीं. चलिए अपने अपने काम पे. सॉरी मैम. अच्छे लोग आपको देखने आते हैं और आप ऐसे चुप रहोगे, अच्छा लगेगा? यहाँ तुझसे बात करूं,
दादू को बता तुमने क्या क्या किया। दादू की सिर्फ आंखें बंद है लेकिन उनको सब सुनाई देता है, सब समझ आता है। ओके अभी बोलो शेखन करो। केमो नाचो दादू, केमो नाचो दादू। दादू आज आपको पता है मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है, उसमें स्टोरी भी है। मैं आपको पेंटिंग भी दिखाऊंगा, स्टोरी भी सुनाऊंगा जब आप घर आओगे। कुछ पता चला? नहीं सुना, तुमने बताया वैसे ही मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ देख लिया था, उनकी मेडिसिन और बाकी सारी चीजें। लेकिन ग्लास और ट्रे के अलावा मुझे एक चीज और लगी थी वहां पर। ये एल्बम उनके बेड पर पड़ा था। मामा बस ऐसे ही गो थ्रू कर रहे होंगे, माँ को मिस कर रहे होंगे इसीलिए शायद से। नहीं सुना, ये एल्बम पापा को बहुत पसंद है, वो ऐसे ही कहीं नहीं रखेंगे इसे। और इसमें मैंने जो नोटिस किया वो यहाँ पर एक फोटो नहीं है। आई थिंक ये पापा की फेवरेट फोटो है। आप थी आई नो, मैंने सब जगह देखा बट ये फोटो मुझे कहीं नहीं मिली है। और बाबा एक भी फोटो इधर से उधर भी नहीं करते थे। मम्मा दादू ने मेरा हाथ प्लेस किया। What? दादू वापस करो ना जैसा आपने किया। बाबा को होश आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बाबा हमें सुन सकते हैं। This is good news, दादा, this is good news. आप डॉक्टर को बुला के लेके आइए। डॉक्टर घर में कब ट्रीटमेंट काम कर रहा है। दादू is getting better, John. बाबा, जल्दी से वापस आ जाइए। हमने आपको बहुत मिस किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अपने आप को इतना क्रेडिट मत दो संजना। मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ भी नहीं किया, जो भी किया देव भाई के लिए किया। और ये सब जो हो रहा है ना वो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। मैं ऐसे भाई को परेशान नहीं देख सकती, इस पूरी दुनिया का तो मुंह बंद नहीं कर सकती, लेकिन इस ऑफिस में भाई के अगेंस्ट में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। तुम्हारा यहाँ आना भी ना भाई पे उंगलियां उठा रहा है, लेकिन लोगों को कैसे बताएं कि हम तुम्हें इतना टॉलरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुम सोहा की मासी हो। वरना जिस देव भाई को मैं जानती हूँ ना वो अभी तक क्या कर बैठते तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। एनीवे बातों का वक्त गया, आई हैव समथिंग फॉर यू। ये क्या है? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। लेकिन ये क्यों, मैंने रिजाइन नहीं किया। तुम रिजाइन कर रही हो और इस लेटर पे साइन करो कि ये कंपनी तुम अपनी मर्जी से छोड़ रही हो। And go from here. यही सबके लिए अच्छा है। तो तुम भी मुझे बाकियों की तरह गलत समझ रही हो। तुम्हें भी लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी गलती है। मुझे लग रहा था कि at least as a woman तुम मुझे समझोगी। बड़ी बहन समझा था मैंने तुम्हें। जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तुम्हें तब मैंने सपोर्ट किया था तुम्हें। And I was expecting the same from you. मुझे बजाय सपोर्ट करने की तुम मुझे उस बात के लिए पनिशमेंट दे रही हो जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। कोई अपना नहीं है मेरा, सर पे छत नहीं है और अब ये नौकरी भी नहीं रहेगी मेरे पास, तो क्या करूंगी मैं, कहां जाऊंगी नेहा? इससे तो अच्छा है ना कि तुम मुझे जहर दे दो, कम से कम चैन से मर तो सकती हूं मैं। क्या हुआ नेहा, तुम ठीक हो? I'm fine. I think तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैब बुक करती हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा ना I'm fine, तुम जाओ यहाँ से। रुको, You can stay. You're right.
तुमने मेरी हेल्प की थी, नाउ आई एम रीपेइंग यू, पर लास्ट चांस. थैंक यू. हेलो मोना, जस्ट मेक श्योर आज मेरे कैबिन में कोई नहीं आए. यू अंडरस्टैंड राइट? नो वन. आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. ऑलराइट. चलो जल्दी जल्दी खत्म करो अब. मम्मा आपके पास टूटू फोन? टूटू फोन है एक ऑफिस के लिए और एक घर के लिए, मतलब एक मेरे पिड्डू के लिए. संजना के बॉयफ्रेंड की कोई खबर? गोइंग टू मीट हिम. गुड. आई होप कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे सके वो संजना के पास से जुड़ी, जिसकी हेल्प से हम आगे बढ़ सके. या तुम? इज डिसाइडेड, संजना पर बॉम्ब गिराने जा रहा हूं. हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं. तू ये बता, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ. लेकिन राधा रानी, तेरी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ मुझसे छुपा रही है? नथिंग छुपा रही हूँ. वो गला थोड़ा खराब है ना, खराश है, तो आवाज से आपको ऐसा लग रहा है. कुछ तो शर्म कर बेशरम, और कितना झूठ बोलेगी. आप ऑलरेडी हेयर हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि 2 वीक के आफ्टर आएंगे. तेरा झूठ बाहर लाने के लिए मुझे भी झूठ बोलना पड़ा. तू तो मुझे रोज फोन किया करती थी. तेरी समझ में एक बार भी नहीं आया कि मेरी ननद के परिवार में इतना कुछ हो गया है तो अपने अपने पति को बता दूं कम से कम. मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी. दिमाग खराब हो गया तेरा? इस परिवार का एक हिस्सा हूं मैं. इस परिवार में क्या हो रहा है वो जानने का हक है मेरा, अधिकार है, जिम्मेदारी है मेरी. आप मुझे सॉरी कर दीजिए. कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं ईश्वरी से बात करता हूं. चुप रह बस. प्लीज. I'm so sorry, इतना मैसी हो गया ये पूरा रूम. प्लीज सिट सर, बैठिए ना. आपने बताया नहीं आप आने वाले हैं. क्या लेंगे आप? आई नो यू लव कॉफी. मैं कॉफी लेकर. संजना, एक्चुअली दूध भी नहीं है. संजना, मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ. I don't need anything. Sure, sure, sir. लेकिन आप कुछ तो लेना चाहिए आपको. You must have something. दो मिनट. Hi, please be sit. Come. Thank you. Thank you so very much for coming, Pyaar. यहाँ तक आए मेरे लिए. Please sit, please sit. What will you have? Coffee, tea? क्या बोलूँ? No, ma'am. Thank you. Are you sure? Yeah. Pyaar, actually, मुझे तुम्हारी help की ज़रूरत पड़ेगी. In fact, मेरी पूरी family को तुम्हारी help की ज़रूरत है. I know. आपको संजना के बारे में कुछ बात करनी है. मैंने कल ही न्यूज़ चैनल पर वो खबर देखी. इट्स अ लिटिल पर्सनल, लेकिन जानना जरूरी है. आई नो कि तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, और आई जस्ट वांट टू नो कि ब्रेकअप किस वजह से हुआ. वो रिलेशनशिप तुम दोनों का कैसा था? हम एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एटलीस्ट मुझे तो यही लगता था. बट फिर धीरे धीरे संजना का प्यार ऑब्सेशन बदलने लगा और मेरा रिलेशनशिप एक नाइटमेयर बन गया. मुझे लेके वो उससे ज़्यादा पॉजिटिव थी. उसके टू मच इंटरफेरेंस की वजह से
मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस आ गए थे. उसने मेरा मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ हैक कर लिया था. शी इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो शी नोज ऑल दिस. सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब वो इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है? वो क्या है क्या नहीं है वो उसके झूठ पे डिपेंड करता है. जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा था तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था उसके साथ ब्रेकअप करने के लिए. बट शी ट्राइड टू हार्म मी. कैन यू इमेजिन उसने मुझ पे अटैक किया था और मेरी जान जा सकती थी. एक्चुअली मेरी फ्रेंड रीना घर में नहीं है ना, तो घर में कुछ सामान ही नहीं है. संजना प्लीज स्टॉप. मैं बस तुमसे ये कहने आया हूँ कि हमें आज के बाद नहीं मिलना चाहिए. पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके उसको अपने से दूर किया और वो रिश्ता तोड़ दिया. बट फिर वो मेरी फैमिली के पीछे पड़ गई. जब जब उसे अपने से दूर किया वो किसी ना किसी तरह से वापस आ जाती थी. जैसे उसके अंदर कोई आग हो कि उसने जो चाह लिया वो उसको पाके ही रहना है एट एनी कॉस्ट. क्यों नहीं मिल सकते हम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? इट्स नॉट यू. सिचुएशन ही ऐसी है. एक्चुअली एक रात में मीडिया वालों ने मेरी और मेरी कंपनी की धज्जियां उड़ा दी. कंपनी के लॉयर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आई कांट बी सीन विद यू. सो इसलिए यही बेस्ट रहेगा कि तुम अभी घर से काम करो. एंड डोंट वरी, हमारी सैलरी टाइम पे पहुंच जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. वी हैव नो अदर ऑप्शन. टेक केयर. सर वन सेकंड. पीछे कैसे छूटा उससे? फाइनली पुलिस कंप्लेन करनी पड़ी. Mental harassment, stalking, violence. The case is still ongoing. Arth, I think after you, meri family uski agli target hai. Kya tum meri ek madad kar sakte ho? Kya tum Sanjana ke against court mein testify kar sakte ho agar zarurat padi to? Okay. I have a solution. I have a brilliant solution. अगर मैं अपना statement media को record करके दे दूँ कि उस रात हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? संजना, are you sure? Yes, I am absolutely sure, sir. आपका problem मेरा problem है. अब से तो मेरा ही problem है. And I can do this for you. Anything actually, anything for you. अभी record कर देती हूँ ना. हाय, मैं संजना अरोरा इस बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस रात मैं फरीदाबाद गई थी और किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी, उस रात मिस्टर देव दीक्षित मेरी हेल्प करने आए थे, मुझे पिकअप करने आए थे. घर लौटते वक्त हमने एक पानी की बोतल खरीदी जिसमें कुछ मिला हुआ था, पर हमें ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई. उस रात ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये ज़रूर किसी ने जानबूझ कर किया. जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई जा रही है वो फर्जी तस्वीरें हैं. इस बात को बेवजह उछाला जा रहा है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज इस बात को बेवजह उछाले ना. ये मेरी डिग्निटी पे और मेरे करियर पे अफेक्ट कर रहा है और मिस्टर देव दीक्षित की फैमिली पे भी इसका असर हो रहा है. थैंक यू. सो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ. सी इट्स डन सर. अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब तो सब क्लियर है ना सर. मैं ऑफिस आ सकती हूँ. आपसे मिल सकते थे, नो प्रॉब्लम, राइट? संजना, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू. मैं जल्द से जल्द ये वीडियो मीडिया में देता हूँ. ओके. या. टेक केयर. यू टू. फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.